नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बंधन बैंक, जहां पर शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी पिटाई हुई शेयर में। एंड तो किस कारण से गिरावट आई, ब्रोकरेज का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर चेक कीजिएगा तो सब कुछ पॉजिटिव साइड में था। कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिया जो कि काफी पॉजिटिव था। ब्रोकरेज का जो टारगेट था वो भी काफी पॉजिटिव, काफी हाई था। टेक्निकल व्यू भी स्ट्रॉन्ग था, तो इस कारण से शेयर में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। लेकिन अब जो रहता है अपडेट नेगेटिव आया, एंड शेयर में देख सकते हैं अभी के समय में लगभग 6% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एक समय में ये 180 के नीचे में 9% ज्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा था। तो क्या नेगेटिव अपडेट है, चलिए उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बताया जा रहा है कि बंधन बैंक के जो सीईओ जो है चंद्रशेखर घोष जो है, उन्होंने स्टेप डाउन किया है, रिजाइन किया है फ्रॉम इस पोजिशन। अच्छा, हालांकि उनका टेन्योर जो रहता है एंड कर रहा था जुलाई 9th में एंड कर रहा था। इससे पहले अपडेट आया था कि इन्हें 3 साल के लिए, थ्री इयर्स के लिए रीअपॉइंट किया जाएगा। और ये अपडेट जो था नवंबर 2023 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पर ही अप्रूव किया गया था। हालांकि ये जो अप्रूवल जो था वो पेंडिंग था, फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियरेंस आना बाकी था। एंड अब्रप्टली जो रहता है, अब ये अपडेट आ रहा है कि ये चंद्रशेखर घोष जो है वो उन्होंने रिजाइन किया है। ये जो लेटर हेड में आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं उसको। गिरावट के पीछे रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि चंद्रशेखर घोष जो है, जो कि फाउंडर थे प्राइवेट सेक्टर बैंक बंधन बैंक, उन्होंने रिजाइन किया है, स्टेप डाउन किया है फ्रॉम इस पोजीशन। लेकिन ही वुड परस्यू अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रोल विद इन द ग्रुप, तो इसी ग्रुप में ही काम करेंगे विद अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रोल में। अब जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये मेरा व्यू है, स्ट्रिक्टली मैं बताना चाहूंगा। सो अभी इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि क्या बैंक का परफॉर्मेंस इनके लीडरशिप में शानदार था, तोड़फोड़ था। तो मेरे अनुसार उतना तोड़फोड़ नहीं था। नया फेस अगर आता है, कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरफ से आता है और आरबीआई की तरफ से रोल मिल जाता है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि यहाँ पर अच्छा आपको प्रदर्शन इस बैंक का आपको देखने को मिले। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको आरबीएल बैंक में भी देखने को मिला था। और अब देखिए ये आरबीएल बैंक का प्राइस और आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस कैसा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बंधन बैंक के शेयर प्राइस में आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। रिटर्न के मामले में चेक कीजिएगा तो वर्स्ट परफॉर्मर है ये कंपनी, एंड अपने 52 वीक के लो के पास ही ट्रेड कर रही है। तो बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी इनके लीडरशिप में। तो मेरे अनुसार जो रहता है, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए ये अभी जो जो कुछ भी हो रहा है। अब है ब्रोकरेज रिपोर्ट। तो बंधन बैंक का जो प्राइस को जेफरीज ने 40% टारगेट प्राइस कट किया है आफ्टर सीईओस रेजिग्नेशन। तो बंधन बैंक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर दिस ईयर ऑन निफ्टी बैंक इंडेक्स विद शेयर डाउन नियरली 20%। हाउ द स्टॉक इज इन एफएनओ बैंड टुडे, तो एफएनओ बैंड में भी अभी ट्रेड कर रही है। बंधन बैंक को जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है टू अंडर परफॉर्म बाई ब्रोकरेज फॉर्म जेफरीज फ्रॉम इट्स अर्लियर रिकमेंडेशन ऑफ बाई। तो इससे पहले अगर आप चेक कीजिएगा लास्ट वीक में, तो उन्होंने बाई कहा था, अब उसको अंडर परफॉर्म कर दिया गया है आफ्टर इस फाउंडर एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष रिजाइन विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 9th दिस ईयर। उन्होंने टारगेट जो रहता है पहले 290 का रखा था, उसको घटा करके 170 किया। तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा प्राइस को कट किया है, 290 कहाँ था और वो अभी ये देखिए टारगेट प्राइस 170 का दिया है। तो रिवाइज टारगेट प्राइस इंप्लाइज अ पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ 14% फ्रॉम द करंट लेवल। तो अभी जिस प्राइस में ट्रेड करिए उसे 14% के यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो नेगेटिव अपडेट आया है जेफरीज की तरफ से एंड अदर ब्रोकरेज रिपोर्ट, ये नेगेटिव आने के कारण जो रहता है यहाँ पर अच्छा खासा आज इस शेयर में गिरावट देखने को मिला है। जेफरीज ने मेंशन किया दैट द रेजिग्नेशन ऑफ द फाउंडर सीईओ इज अ नेगेटिव सरप्राइज इवन एज अ बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ 3 ईयर रीअपॉइंटमेंट एंड एप्लीकेशन वॉज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया कि 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया जा रहा था एंड बस आरबीआई की तरफ से पेंडिंग था। तो ये एक नेगेटिव सरप्राइज था, नेगेटिव न्यूज था, इस कारण से शेयर में अच्छा खासा आज क्रैश देखने को मिला है। तो ये भी कहना है कि स्मूथ ट्रांजिशन एंड सक्सेशन इज अ की फॉर बंधन बैंक अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज एस मोस्ट ऑफ द सीनियर स्टाफ एट द बैंक इज न्यू। तो जितने भी स्टाफ को अगर आप चेक कीजिएगा, अधिकतर स्टाफ जो रहता है बंधन बैंक को जो अभी है वो नए हैं। तो यहाँ पर स्मूथ सक्सेस ट्रांजिशन जो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस कारण से उन्होंने इस प्राइस को कट किया है। अब है अभी कुछ नहीं अराइज होता है कि अगर कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस आपका 173.50 रुपीज के अराउंड में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो आपका पहला टारगेट निकल कर आएगा 209 का पहला टारगेट निकल कर आएगा, एंड देन आफ्टर दैट अगर उसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो 240-260 तक का भी लेवल निकल कर आता आएगा। बस 173.50 रुपीज टूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।